Give me a heart that fills with love, make me more like thee. तेरी मोहब्बत से मुझे भर दे तेरी मोहब्बत वाला नशा मुझे दे दे जिससे कि प्रभु तेरी एक एक आज्ञा को मान मान करके मैं तेरे स्वरूप में जब तक ना बदल जाऊं वो वाला नशा मुझे दे दे अंत के दिनों में प्रभु आपको वही वाला नशा देने वाला है वही वाला दाख मधु देने वाला है जिसमें सूरज कब उगेगा और सूरज कब निकलेगा प्रार्थना योद्धा को यह समझ में नहीं आएगा हमारी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा सुबह कब होगा और शाम कब हो जाएगी प्रार्थना योद्धाओं को यह समझ में नहीं आएगा आप तो हर पंद्रह मिनट में घड़ी देखते हो तो कौन बोला तुमको नशा हो गया है बी केयरफुल एक जार के अंदर दर्शन कह रहा है कि मैं एक स्वच्छ दाखरस डाल रहा हूं एक स्वच्छ तेल डाल रहा हूं एक स्वच्छ छना हुआ मैं तेल डाल रहा हूं यदि यहूदी समुदायों को मसीहा मिल गया जो बाइबिल के अनुसार और कोई नहीं हो सकता है वरन वह ख्रिस्त विरोधी है जो नजराना यीशु को कंडम करने के लिए उनके पास जो गाली गलौज पाए जा रहे हैं उनके भविष्य वक्ताओं के पास वह बड़ा का बेटा याद रख लीजिए इसका मतलब है धरती पर कयामत का समय आ गया है जिसने खुदा के बेटे के विरुद्ध मुंह खोलना शुरू कर दिया तो मान के चलना कि धरती पर प्रलय आने से कोई नहीं रोक सकता और ये दानवीय तांडव साढ़े तीन साल तक चलेगा प्रभु तुम्हें महफूज रखे शैतानियत के जाल और चंगुल से बचाए रखे जिससे कि आप अंतिम पड़ाव में इस दाखरस के मतवाले बने रहें जो खुदा आसमान से देगा आपकी जिंदगी फिलेदेल्फिया के साथ बनी फिलेदेल्फिया की कलीसिया के साथ बनी रहे एक बात बोल के हम समाप्त करेंगे क्योंकि हमारा वक्त हुआ खत्म प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका तीसरा अध्याय सात पद में लिखा है फिलेदेल्फिया की कलीसिया के दूत को लिख दसवें पद में लिखा हुआ है तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय तक बचाए रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने पर के लिए सारे संसार पर आने वाली है द होल वर्ल्ड इज गोइंग टू इनकाउंटर विद द ड्यूमानिक इंफ्लुएंस इन दिस एंड संपूर्ण धरती को संपूर्ण धरती को शैतानियत का सामना करना पड़ेगा संपूर्ण धरती के अंदर में अराजकता देखी जाएगी अलग अलग प्रकार की परंतु फिलिदेल्फिया की कलीसिया को प्रभु जी कहती है कहता है कि परीक्षा के समय में तुझको बचा के रखूंगा हलिया परीक्षा के वक्त वह हमको बचाएगा परीक्षा के वक्त वह हमको बचाएगा जो परीक्षा सारे संसार के ऊपर आने वाली है अब आज का आज आपका अपना भेजा चलाना बंद करें अपनी टेक्नोलॉजी बंद करें अपना दिमाग बंद करें अपनी सूझबूझ का सहारा लेना बंद करें और वेदी का सींग पकड़ने भला हो जाएगा याद रख लीजिएगा संपूर्ण धरती के लोगों को चेतावनी है आपने तो पहले पहल कोरोना का टेस्ट देखा था यह बात प्रभु ने 2020 के अप्रैल महीने में ही प्रकट कर दी थी ये जो पहला कोरोना है वो तो ट्रेलर है ट्रेलर वहां सब अन्य जातियों को यह अटैक हुआ था परंतु एक बात याद रखना अब भारी मात्रा में क्रिश्चियनिटी के अंदर घुस गया है हर शहर में पांच सात पास्टर्स लोगों की डेथ हो रही है कहां गया उनका परमेश्वर कहां गई उनकी प्रार्थनाएं क्यों ने भगा लिया तुमने कोरोना को क्यों अटैक हो रहा है ई द क्रिश्चियन पीपल आर डाइंग थ्रू द कोरोना क्या उन उनचालीस कोड़े में कोरोना की मार के लिए भी सजाएं आपदा नहीं दी गई थी इसका मतलब है जरूर कोई ना कोई बुरा संकेत को दबाब दे रहा है हमारे जाग जाने में ही भलाई है हमें परमेश्वर के चरणों में फिलदेल्फिया के समान कलीसिया बन जाने की जरूरत है जहाँ पर हम धीरज के वचन को थामे रहें और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन यापन करें उस मोहब्बत को उस प्यार को जो हमारी जिंदगी को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए मजबूर करती है उस जाम को हम पी लें तो शायद फिलिदेल्फिया की कलिसिया के समान हमारे ऊपर रक्षा हो सकती है और लुका की किताब में भी इक्कीसवे अध्याय में भी प्रभु जी ने कहा था जागते रहो प्रार्थना करते रहो कि तुम आने वाली विपत्ति से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े रहने के योग्य हो सको इसका मतलब है मनुष्य के पुत्र के आने से पहले विपत्ति आएगी आएगी ही आएगी और दर्शन में प्रभु ने बहुत पहले से अरमेह बारह बारह में बताया था यदि कलीसिया सुधर के नहीं आएगी तो विपत्ति तो आएगी ही आएगी यस क्योंकि हर मुंडे टीले में तुमने वे विचार किया है हर बांझ वृक्ष के पीछे तुमने व्यभिचार विचार किया है इसलिए मैं कलीसिया को चेतावनी देते हुए संपूर्ण भारत के अभिषिक्तों के बारे में सलाह देते हुए एक बात कहना चाहते हैं इन दिनों में आपकी जिंदगी को सावधान रहने की आवश्यकता है इन दिनों में आपको परमेश्वर के भय में रहने की आवश्यकता है इन दिनों में आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की जरूरत है जिससे कि आप फिलिदेल्फिया की कलिसिया के समान परमेश्वर की नजर में आ जाएं, दाऊद के समान ये कहें परमेश्वर आपके बारे में कहे मुझे मेरे मन और मेरी इच्छा के अनुसार एक व्यक्ति मिल गया है So, पिता परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले आपके लिए खुशखबरी है कि प्रभु छना हुआ तेल आपकी जिंदगी में डालने वाला है जिसकी शुरुआत हो गई है अब हमें नहीं मालूम है किसके पात्र हंडे के समान आग में रखे गए हैं एक बात याद रखना बीते हफ्ते में परमेश्वर ने साफ ये बात बताई थी हंडे को आग में रख दे उसको तपा दे उसको तपा दे फिर पानी से भर दे फिर उसके बलिदान किए हुए मेमने को डाल दे तो मेमने में जलन की खुशबू नहीं होगी जलन इन द वो जो, जो, जो जला हुआ है ना अंदर में पिता परमेश्वर आपके हंडे को अग्नि में रखने का अनुग्रह दे संपूर्ण कलीसिया, संपूर्ण याजक समाज चेत जाए प्रभु कुछ कह रहे हैं इससे ऐसे पता चलता है मेरा प्रभु आपको कहीं ना कहीं एक ताजे तेल की ओर ले जाना चाहता है एक ऐसे दाखमधु मधु की ओर ले जाना चाहता है जहां आप जाना नहीं चाह रहे हैं। परंतु परमेश्वर फिर भी खड़े हुए हैं मैं छन्ना लगा करके तुम्हारी जिंदगी को यशु के दोबारा आने के लायक शुद्ध और साफ कर दूंगा ऐसा वाला मन प्रभु हमको दिया चाहते हैं